आओ, डीएनए अर्धसंरक्षी का मतलब ये होता है ना कि डीएनए का आधा गुण इसके जनक का रहेगा, जो संतान में डीएनए गया है। देखो ये जनक का डीएनए तो पूरा टोटली वही रहेगा, ये 100 के 100% जनक में जैसे वैसे ही रहेगा। जब ये डीएनए किसके अंदर जाएगा, संतान के अंदर जाएगा, संतान के अंदर। तो इसमें दो रज्जुक है, एक ये रज्जुक है और ये भी एक रज्जुक है। तो समझना ध्यान से, एक ये रज्जुक है, एक ये रज्जुक है। आप पढ़े थे ना सांप की तरह, इस तरीके से जो आपने पढ़ा था, तो एक ये रज्जुक ये वाला है, दूसरे का रज्जुक ये वाला है। और आपने देखा था कि इसके बीच में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, एडिनिन और थायमिन के बीच में डबल बांड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में डबल बांड पाया जाता है, ट्रिपल बांड पाया जाता है। तो देखो अब ये डीएनए जनक का है, जब ये संतान में जाएगा तो एक रज्जुक जनक का होगा, माने पिताजी का रहेगा, और एक रज्जुक जो होगा संतान का रहेगा। एक रज्जुक पिताजी का रहेगा, एक रज्जुक संतान का रहेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं अर्धसंरक्षी। इसे क्या कहा जाता है? अर्धसंरक्षी। तो देखो मैंने लिखा है कि डीएनए अर्धसंरक्षी होता का है, तो जब डीएनए जनक से संतान में जाता है, जैसे ये डीएनए है, डीएनए जनक से संतान में जाता है, तो सुनो, तो संतान को, संतान के डीएनए में दो रज्जुक में से एक रज्जुक जनक तथा दूसरा रज्जुक नए डीएनए का होता है। जैसे दो रज्जुक है तो एक रज्जुक तो जनक का चला गया और एक रज्जुक किसका चला गया? संतान, माने एक रज्जुक नए डीएनए का जाता है। तो इस प्रकार जनक का आधा गुण संतान में सुरक्षित रहता है। तो जो जनक है इसका आधा गुण जो है संतान में क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। इसे डीएनए का अर्धसंरक्षी कहते हैं। इसे डीएनए का क्या कहते हैं हम लोग? अर्धसंरक्षी, माने आधा गुण इसके अंदर क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? डीएनए का अर्धसंरक्षी कहते हैं। बात समझे? तो ये जब बातें होती है कि डीएनए अर्धसंरक्षी के रूप में कार्य करता है, तो इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो तुरंत आप बताने का प्रयास करेंगे, और इस तरीके से आप बता भी सकते हैं। ठीक है, बोलो बता दोगे सब लोग? तो डीएनए का अर्धसंरक्षी के क्वालिटी का मतलब आपने जाना। देखो जब भी कहेगा ना कि डीएनए प्रतिकृति, प्रतिकृति का मतलब जानते हैं ना, एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण करना, उसी को हम लोग डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। तो जब एक डीएनए से, माने देखो, एक डीएनए से पांच नेत्र ग्रंथियां, दो डीएनए का निर्माण होता है, तो इसमें कितने विधि का प्रयोग करते हैं? पांच एंजाइम का प्रयोग करते हैं। ये पांच एंजाइम भाई याद कर लेना, डीएनए का खोलना, हेलिकेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज एंजाइम, इतना आपका होता है आपका। तो पहला आपका होता है डीएनए का खोलना में, जो देखो सबसे पहले जो डीएनए होता है, तो समझते रहना, जैसे डीएनए है तो डीएनए को खोलना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से खोल के अलग कैसे करेंगे? तो इसे खोलने के लिए टोपोमाइसेमरेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम डीएनए को खोलने का कार्य जो किया जाता है, टोपोमाइसेमरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज एंजाइम जो होता है, देखो इसके अंदर जो हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, जैसे यह है एडिनिन के साथ थायमिन जुड़ा होता है ना, तो जो हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, इस हाइड्रोजन बंद को तोड़ने के लिए हम लोग हेलिकेज, देखो हेलिकेज हॉस हेलिकेज एंजाइम, हॉस से हाइड्रोजन बंद को तोड़ने के लिए, काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कि एक डीएनए है उसमें आरएनए को जोड़ने के लिए जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? आरएनए पॉलीमरेज का। एक डीएनए का टुकड़ा छोटा आरएनए जोड़ने का काम जो किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज का है, डीएनए पॉलीमरेज का है, दो डीएनए को अब जोड़ने का कार्य कर देगा। दो डीएनए को जोड़ने का कार्य कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज करता है। लाइगेज एंजाइम का क्या काम होता है? जो हाइड्रोजन बंद होता है वह बनाने का काम, और हाइड्रोजन बंद से जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उसके जोड़ने का कार्य करता है। अब जानते हो एडिनिन के साथ थायमिन डबल बांड, साइटोसिन के साथ ग्वानिन ट्रिपल बांड से जुड़ा होता है। तो चलिए आज के लिए इतना, दोनों टॉपिक आपको याद होना चाहिए। एक